हेलो दोस्तों, बॉलीवुड के एक महान सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। दादा एक बार फिर से हम सभी लोगों को रुलाने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा किरदार निभाने वाले हैं जिसके बारे में हम आपको भी इस वीडियो के अंत तक बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती इससे पहले कश्मीर फाइल्स में काम कर चुके हैं और दादा ने कश्मीर फाइल्स में किस तरीके से कार्य किया है आप सभी लोग तो अच्छी तरीके से देखे होंगे। लेकिन जल्द ही उनकी एक मूवी और आने वाली है और मूवी रिलीज की डेट बताएंगे। उससे पहले हम आपको मूवी की कहानी बताते हैं, उससे पहले हम दादा की कहानी बताते हैं। तो क्या हुआ था, मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे खतरनाक हीरो हैं जो अपने करियर की शुरुआत में उनको बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया था। उनको सबसे कम फीस दिया जाता था और ऐसी स्थिति में मिथुन चक्रवर्ती अपना काम करना नहीं छोड़े थे। कई तरीके से तो उन्हें ताना भी मारा जाता था और उनके साथ ही छोटे छोटे एक्टरों को उनसे ज़्यादा फीस दिया जाता था, बट मिथुन चक्रवर्ती को सबसे कम फीस दिया जाता था। लेकिन बाद में दादा सुपरस्टार बने और एक से बढ़कर एक खतरनाक फिल्में की और जल्द ही बाप मूवी भी उनकी आने वाली है। लेकिन उसके पहले इन्होंने एक बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया है, काबुलीवाला मूवी जल्द ही रिलीज करने वाले हैं। तो यह मूवी 25 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तो 25 दिसंबर को मूवी आने वाली है और उसी के आसपास में डंकी मूवी भी यानी शाहरुख खान की भी मूवी आने वाली है। तो 25 दिसंबर के दिन यह मूवी रिलीज होने वाली है, तो इन दोनों मूवी में कड़ी टक्कर होने वाली है। लेकिन उसके पहले इस मूवी की कहानी तो आप जान लीजिए। इस मूवी की कहानी इतनी अच्छी है, इसमें मिथुन चक्रवर्ती एक छोटी लड़की के साथ जिंदगी जीने के सही तरीके बताते हैं। वे एक बहुत ही गरीब किरदार निभाने वाले हैं जो किसी तरीके से इस सब द्वार पर भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं और उसके साथ जिंदगी के उस जीने के तरीके बताते हैं जो इंसान को सही तरीके से जीना चाहिए, और कुछ ऐसी गरीबी वाली जिंदगी दिखाते हैं जो कि हम लोगों से परे होती है। तो उस तरीके की मूवी, जो अब इसमें ड्रामा के साथ रोने का कंडीशन ज्यादा होने वाला है। तो मूवी ब्लॉकबस्टर होने की गारंटी 100% है, क्योंकि इस मूवी में इंसानियत को जोड़ा गया है। लगभग 1990-80 के समय जैसी मूवियां बनाई जाती थी, कुछ उसी तरीके की मूवी लेकर आए हैं मिथुन चक्रवर्ती। तो यह मूवी कितना सुपरहिट होगी इसके बारे में तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अनुमान की माने तो मिथुन चक्रवर्ती के फैनों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इस मूवी को देखने के लिए लाइन लग जाएगी। तो आप इस मूवी को देखने जाएंगे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इस मूवी को बनाने में दादा ने बोला है कि अपना हम सब कुछ लगा दिए हैं, क्योंकि मूवी को रियल घटना के ऊपर आधारित करके बनाई जा रही है। एक बच्ची को इस तरीके से दिखाया जाएगा कि हम सभी को दिलों पर राज करने वाली है। तो मूवी क्या होने वाली है, 25 दिसंबर को आप सिनेमाघर में जाकर देख सकते हैं और कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। लेकिन मूवी जैसे भी होगी ब्लॉकबस्टर होगी और शाहरुख खान भी मूवी ला रहे हैं तो कड़ी टक्कर होने वाली। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस थैंक यू।